अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इस बात का गवाह रहेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तू ये ना कर, तू कोशिश ना कर, पाकिस्तान से बाहर जाने के और भी बेशुमार रास्ते हैं और लोग जाते हैं। मुझे लोगों ने बड़ी उल्टी पट्टियाँ पढ़ाई, बहुत सारी बातें मेरे साथ की, लेकिन मुझे हज के लिए जाना है, मुझे इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं कि मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा भी रहना चाहता हूँ और आज़ाद भी रहना चाहता हूँ। बार बार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, बार बार मुझे कभी गायब कर देते हैं, कभी मुकदमा दर्ज कर देते हैं, दर्जनों मुकदमा मेरे ऊपर बार बार दर्ज किए गए। मैंने पिछले 1.5-2 महीने बड़ी तकलीफ़ में गुजारे हैं। मैं 2022 में हज पे जाना चाहता था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये अहराम मैंने 2022 में पहनना था, फिर 2023 में मैंने यह अहराम पहनना था तो मुझे अगवा कर लिया गया। और मैं जहाँ पे था उन लोगों को मैंने कहा, मैंने टकरे मार मार के कहा कि मैंने हज पे जाना है। उन्होंने कहा जी इस साल आप नहीं जा सकते, आप अगले साल चले जाइएगा। तो मैंने इस साल की नियत की, अब इस साल मैंने हज पे जाना था। 2 महीने मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तीसरे दफ्तर में, तमाम निज़ाम के मैंने दरवाजे खटखटाए और हर एक को मैंने बताया कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मेरी और कोई नीयत नहीं है। और उसके बाद फिर मैं हाईकोर्ट गया, फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप सब जानते हैं। और फाइनली मुझे हज पे जाने की ये आखिरी एक फ्लाइट है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सारी तादाद में रेंजर्स और पुलिस खड़ी है और वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, हर गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं। मुझे सब लोग यही कह रहे हैं कि तू वहाँ ना जा, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया और मेरा अल्लाह इस बात का गवाह रहेगा कि मैंने तेरे घर पे आने के लिए पूरी कोशिश की। मेरे अल्लाह, मैंने पूरा जोर लगाया, मैंने अपने आप को गिरफ्तारी के खतरे में भी डाला। अब पता नहीं वहाँ मुझे गिरफ्तार करते हैं, गायब करते हैं, क्या करते हैं मेरे साथ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और सिर्फ हज की नीयत से जा रहा हूँ। मैं हज करके वापस आऊँगा क्योंकि मैंने अदालत को ये बोला है कि अगले महीने की 8 तारीख को जो अदालत में पेशी होगी उसमें मैं आके पेश होऊंगा। मैंने आज तक किसी अदालत की कोई एक पेशी भी मिस नहीं की, कानून की आज तक एक भी खिलाफ वर्जी नहीं की। जिस डिपार्टमेंट ने, जिस दफ्तर ने जब मुझे बुलाया मैं वहां पे गया, मैंने कभी भी किसी चीज की खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक सब कुछ किया और अब भी कानून और आईन के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करते हुए हज पे जाना चाहता हूं। मैंने 5 दफा टिकट लिए हैं, ये 5वीं मरतबा मैं टिकट ले रहा हूं, ये तो रिफंड भी नहीं होता हज का टिकट। और मैंने अपनी फैमिली को भी बाहर से बुलाया हज पे जाने के लिए और वो एयरपोर्ट पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं जी हज के लिए। आप सबसे दरखास्त है कि अगर ये वीडियो आप तब देखेंगे जब मुझे नहीं जाने देंगे या मुझे पकड़ लेंगे या मुझे रोक देंगे, तो आप खुद फैसला कर लें कि इस मुल्क में क्या निज़ाम चल रहा है। और मुझे रोकने वाले एक बात याद रखें, मुझे पता है मुझे कौन रोक रहा है, वो सिर्फ एक बात याद रखें और कुरान पाक में जाकर पढ़ें कि जो लोग बैतुल्ला से रोकते हैं उनके लिए मेरे रब का क्या हुक्म है। ये जिंदगी तो गुजर जानी है, थोड़ी सी और बाकी है, मेरे पास कितनी है शायद मैं भी गुजार चुका हूँ, पता नहीं कितनी बाकी है, कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए। इस साल इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं अगला साल नसीब भी होता है या नहीं होता जिंदगी में, लेकिन एक बात बता देता हूँ, हमेशा जिंदा किसी ने नहीं रहना, ये सारी चीज़ों का हमें हिसाब देना पड़ेगा जाके। तो मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के मैंने जो वादा किया था मैं पूरा कर रहा हूँ और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह गवाह रहेगा कि या अल्लाह मैं हज के लिए जा रहा हूँ, तेरी इबादत के लिए जा रहा हूँ, मेरी मदद कर। बहुत शुक्रिया।